इदम् आकाशवाण्याः दिल्लीकेन्द्रम् अस्ति संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतः वार्तालापः श्रूयतां प्रियाः श्रोतारः यस्य विषयः संस्कृते ललितसाहित्यस्य महत्त्वम् अस्यां वार्तायां डाक्टर् अनमोलशर्मणा सह डाक्टर् सौरव् दुबे महोदय अस्ति अनमोल महोदय संस्कृत भाषा विश्व भाषा तथा च मनोरमा वर्त जनसा संस्कृत भाषाया रमणीयतया सह पिचिता प्रतिद्यता भो वयस धन्यवाद सत्य मुक्त संस्कृत भाषा विश्व भाषातु तो एव परम मनोरमापि वर्तते उक्तम अपनी केनचि विना वेदम विना गीता विना रामायणी कथा विना कवि कालिदास भारत नैव भारत भारतस्य से यत् वर्तते यु वेदेशु पुराणेशु गीतासु कालिदास प्रबंधेशु एव अस्ति सर्वेपि इमे ये ग्रंथ सी ते संस्कृत भाषायाम एव सन्निबद्धा सी अतः संस्कृत भाषाया कि अस्त लोकोत्तर अस्मिन क्रमे मनोरमता प्रसंगे यदि अहम विचाराया तरी कासर नाटक विश्व प्रसिद्ध यदर्तमें अभिजान शाकुतल तस्क्र विशिष्ट श्लोक कालिदासयुक्ता तकतीम विषय कालिदास वदति शकुंतला तादृशी नायिका आसी यहाँ जल पान से पूर्व वृक्षाण सेचन सा कुरती स्म एवं तरह तो अलंकार से अत्य तीयता आसी तथा स वृक्षेसु अत्यंत स्निहती स्म अतः सा तेषा पत्रा त्रुटतम अभी न कौती स्म जातुचित एवं यदा पुष्पा प्रथम यदा प्रसव यदा स्म तदा पुत्रोत्सव तुय्य आनंद तीकला अस्त कालिदासन उक्त पात न प्रथम व्यवस्यति जलम युष्मा नियम मंडना या पल्लव आद्य कुसुम प्रसूति प्रार्थये यस्या भवत्युत्सवा सेयं याति शकुंतला पतिगृहम सर्वेरनुज्ञायताम काचित विलक्षणता अत्र अस्ति समाजे यदा वयं पश्यामः प्रकृतिप्रेम्णः सर्वोत्कृष्टोदाहरणम् अत्र कालिदासेन प्रस्तुतम् अस्ति तर्हि एवं यद् भवतामपि यत् यद किमपि तत्र माहात्म्यविषये यत् किमपि वक्तव्यमस्ति तर्हि किञ्चित् तत्र निवेदयतु इति आम् धन्यवादः मित्रमण्यः सर्वोपि लोकः कालिदासस्य रचनाविहि सह सम्यक् परिचितः अस्ति यथा अविज्ञानशाकुन्तलम् मेघदूतम् अन्यद्वा सर्वेपि लोकाः कालिदासीयम् अविज्ञानशाकुन्तलम् पठन्ति पठत्वा च आनंदितः भवन्ति तत्र मेघदूतम् सुप्रसिद्धं खण्डकाव्यं वर्धते मेघदूतेन कालिदासेन एका शिक्षा दीयते लोकाय

यक्ष मेघं दृष्टि स्वीय सन्देश प्रेस कथयति कालिदास कथयति याचना गुणशालि जन प्रति कर्तव्या अधम जनम प्रति न कर्तव्या प्रति कृता याचना अपूर्णा पूर्णा नवती चेत एव मन्यते इति भवतः अत्र आशयः इतोपि ललित साहित्यं किं प्रतिपादितम् किंतु किन्तु वद बहुवयस्य इदानीं देवोत्थनि एकादशी संजाता एवं यत् मास चतुष्टये यत् अवरुद्धं आसीत् विवाह आदिकं कर्म तस्य पुनः प्रारम्भः संजातः अतः विवाह विषये कालिदासेन या शिक्षा स्वस्य तन्यायैया दत्ता सा विलक्षणा वर्तते यदा तस्याः कापि अपि पालनं करोति समाजे तदानिम् तस्याः दामपत्यस्य पूर्णता तस् विवाह विच्छेद न भवष्य कालीस या शिक्षा दत्ता सातु सा कालिकी अस्त वर्तमान समय वर्त काली उक्त स्व पुत्रीं प्रति शुश्रूष स्व गुरुन प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने विप्रकृता पिरोषण तया प्रतीप भव दक्षिणा पिजने भाग्ये यानकेवम गृहिणी पदम युवतीयः वामाकुलस्य अधयः सर्वदाव वदति स दुहितरं कण्वः गुरुन सुरसु सस्व ये गुरु तुल्यासन्ति ससुरस्ति सस्रुवस्ति सेवा सेवाकरणीया एवं तदानिम काले तु तत्र बहुवल्लभा राजानाः सन्ति इति उक्तियासित संप्रति तु तत्र भव्यः पत्नीः न भवन्ति परम तदानिम काले भव्यः पत्नीः भवन्ति स्म अतः तत्र उक्तं मात्स्यर्यभावेण तत्र न भावयं सपत्नी जनै अपि तत्र प्रेम्णा एव भाव्या इति एवं अग्रे उक्तं कदाचित पति रुष्टः भवति तस्मिन् समये यदि भार्या क्रोधं न करोति तदानिम् तस्य लाभा भवति सत आद्रिसह कच्छन क्षणः भवति य दानिम् सापि रोषण तया तद्विरुद्धं गच्छति तदानिम् विवाहविच्छेदस्य तदानिम् अवसरः जायते अतः वदति की रोषणतया विप्रकृतापि विप्रकृतापि रुष्टा रुष्टापि भर्तुः प्रतिपम प्रतिकूलं मास्मकर्मह एवं यदा भाग्यस्य उत्थानं भवति तदानिम् अपि कदाचित गर्वः न करणी एवं परिजने ये याचका संत्यधीना अधीनस्ता ये संति साम प्रति तत्र दानम कर्तव्यम एवं प्रकारेण स्त्रिया भवन्ति ताह गृहिणी पदम यान्ति वस्तुतः गृहिणी पदस्य लाभः तासां भवति एवं अस्य पूर्वोक्तस्य नियमस्य ये प्रतिकूलम् आचरन्ति ताः कुलस्य कृते आधयः भवन्ति मित्र एकं पदम् अस्ति आधिः द्वितीयं वर्तते व्याधिः आधि मानसिक पीड़ा तरी कासमुस् आधय अर्थत मनसपीडारूपा लोके दृश्य सेचिदाग्छति स्वगृह पिता गृह तदीम तस्वीर पिता त्र शोक कथम सुखम भविष्य अतः कालिदासन सर्व ये मानव जाते कल्याण भावना अतव्या विलक्षणम अस्त कालिदास मित्र अ यदि अस्ति नूतन विचार अथवा स यत कीमा पी अस्ति तम निवेदया तू आम अन्य तमा अपि कवि ही अस्मा नयन पटले आयाति सच्चा वर्तते भरत्री भर्तृहरि ही भरत्री हरि प्रणीतम् वर्तते तत्रा नीति शतकम् नीति शतके एका शिक्षा भर्तृहरिना दत्ता वर्तते न कथमा तत्र चातक पक्षिणम् प्रति नाम अन्योक्तिमाध्यमेन चातक पक्षिणम् आश्रित्य भर्तृहरिः समस्तं लोकं शिक्षयति एकां शिक्षां ददाति रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिविरार्द्रयन्ति वसुधां ಗರ್ಜಂತ ಕೇಚಿ ವೃತ್ತ ಯಶ್ಯ ತುರೋ ಮಾ ಬ್ರೂಹಿ ಅತ್ರ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಸಿರುಣ ವರ್ತದೆ ತಂ ದೃಷ್ಟುಕ್ತಿಮಧ್ಯ ಭರ್ತೃಹರಿ ಕಥೆಯ ಹೇ ಚಾತ ಮಿತ್ರ ಸಾವಧಾನ ಮನಸಾ ಶೂಯತ ಶೂಯತ मेघा सांग भांन जल मेघा पाश्वे ग्छती त्र मागतो योही मेघा गर्जना कुवंत मेघाः वृष्टि कुर्वन्तः नो वृष्टिं करिष्यन्ति इति न ते कुवती अतः यम यम यमेघं भवान पश्य तस्य पुरतः गत्वा गी दैन्यं पिपासा रूपं दैन्यं लोके वदतु लोकेपि मित्रमणयः दृश्यते हीन कस्चि आर्थिक स्थित ही जना हा जनः स्वीयां स्थितिं परिवर्तय कसचिद धन सतजन पार्शे ग्छति आदो सह सी दारिद्र्यम दीनता प्रकाशय दीनता प्रकाशन सह अभीष्ट कि प्राप्त इच्छति अतः कथमी अने श्लोक एप्य दैन्य कथम भी न प्रकाशनीय दैन्य प्रकाशि सति कथम शोषण भवता ललित साहित्ये तो वार्ता तादृशं किमपि पद्यम भवान वदतु यत्र लोकः शिक्षितो भवतु लोकः प्रेरितो भवतु मित्र अस्माकं वाङ्मये बह्व्यः सूक्तयः सन्ति अनेकानि सुभाषितानि सन्ति केषाम् अत्र अहम् उल्लेखं करोमि बहवः तत्र श्लोकाः अहम् अहं पूर्विकया बुद्धौ परापतन्ति तथापि उत्तररामचरितस्थम् एकं पद्यम् अहं प्रस्तोतु कामः अत्यंत रमणीय हाँ महाकविभवूति अच्छा प्रणेता अस्त कदिक उक्त कवय भवभूति महाकवि तर महाकवे एक सुंदर पद्यमस्थापूजास्थन गुणेशु न लिंगम न वय समाज यदि कशन युवा भी अस्त परम स गुणी अस्त तरी स पूजारह अस्त तथा न तस्मंतव्यम कि अयम तो बालक अस्त अथवा पुरुष अथवा स्त्री अस्त तत्र साक्षात् कथयति गुणा पूजास्था पूजाया स्थान गुणा भवती गुणेशु न लिंगम त्र पुष अस्त अथवा स्त्री अस्त अथवा लिंगमी तेतुर्नास्ती भवभूते हे इदम् अत्यंतम तत्र रमणीयम तत्र किमपि कथनीयम इतोपि भवभूते हे प्रसंग समायातः अतः भवभूतिना उत्तर रामचरितस्य प्रारंभे तत्र मार्मिकम किमपि भनितम तद हम प्रस्तोतु कामः तत्र साक्षात् श्री रामः स्वस्य धर्मासनात् रुष्टाम स्वत्नी अन्नें साक्षा त्रयाति तदीम त्र कृछति भवती रुष्टा सा उक्तवती कि मम पिता अद विदेराज जनक स्वगर प्रति गतः ग रामः वदति किंवा अनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्र्यम् अपकर्षति अनुष्ठानानां या भवति पुरुषस्य व्यक्तेः व्यक्ते नियन्त्रणं करोति अतः कराती गतः ते हि गुरवः न अस्मान् विहातुं किन्तु सीता वदति सत्यं किन्तु सन्तापकारिणो सतापकारिण भवन्ति तदानीं रामः वदति देवी वैदे सत्यमेतत् एते हि हृदयमर्मच्छिदाः भावा येभ्यह विबसमाना यक्त्वा सर्वां कामान अरण्य निवसन्ति मनीषीणा अत्र सरसता अस्ति अत्र माधुर्यं वर्तते अत्र सर्वं अत्र अस्ति उत्तररामचरिते अतः ये अस्मान श्रणवन्ति तान् प्रति अपि निवेदनम अस्ति कदाचित उत्तररामचरितस्य पठनं कुर्वन्तु मित्र भवतां किमपि अस्ति वक्तव्यं तर्हि वदन्तु ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿಣೀತ ಇತೋಪಿ ಇಂ ವರ್ತದೆ ಕುಮಸಂಭವಂ ತುಮಸಂಭವಂ ಅತ್ಯಂತ ಕುಮರಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತೀಭೂತ ಕಾವ್ಯ ವರ್ತದೆ ತಗವತ್ಯ ಗೌರ್ಯಾ ಪಂಚಮ ಸರ್ಗೇ ತಪಶ್ಚರ್ಯವರ್ಣನ ವರ್ತದೆ ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ಭಗ್ನಮನೋರ ಸತಿ ಸ್ಯ ಮನೋರ

तदा कालिदासः वदति उवाच मेनापरिरभ्य वक्षसा इत्यादिपद्येन वदति का बहवीभिः युक्तिभिः पार्वत्याः तपस्या मनः विचलितं न जातं तदा कालिदासः शिक्षयति क का ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत् ईप्सिते अर्थे वस्तुनि ಯದಿ ಯಶ್ಚಿತ್ರ ಮನಃ ವರ್ತದೆ ಮನಃ ವಿಚಾಳಿ ಕಥಮ್ಯೆ ಇರಸಂಭವಸ್ ಪಾರ್ವತ್ಯ ತಪಸ್ಯಾಭನ ಸಾಮೀಚನ ಇಂ ಅಧುನಾ ಭೇಟವಾರ್ತು ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹತ್ವ डॉक्टर अनमोल अन्मोलशर्मणा सह वार्ता कुरान आसी डॉक्टर् सौरभदुबे अनेक्रम संपन्नता गच्छति नमस्कार हा।